नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। सिवनी नगर में अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सांकेतिक हड़ताल। समस्त विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा एकजुट होकर प्रदेश के आह्वान पर कल 29 जुलाई दिन गुरुवार को संपूर्ण नगर में रैली निकालकर सरकार के विरोध में भांति भांति के नारे लगाकर शांतिपूर्णमय से निकाली गई और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, किंतु जिला कलेक्टर द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर मुख्य द्वार पर गेट बंद कर उन्हें रोका गया। गेट पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजकर ज्ञापन प्रदान किया गया, जिससे प्रतीत हुआ कि जिला कलेक्टर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। हमारी अभी वर्तमान में जो मांगे हैं, मध्य प्रदेश शासन ने वेतन वृद्धि के आदेश जारी करे हैं, जो 2019 और 20 की वेतन वृद्धि शासन ने रोक रखी थी, वो वेतन वृद्धि के आदेश तो जारी कर दिए, मगर एरियर्स की राशि के भुगतान के आदेश जारी नहीं किए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन में अभी 12% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 28% डीए मिल रहा है। ये बहुत भारी अंतर है, तो इस अंतर को काटने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है और आज का ये आंदोलन हमारा पूरे प्रदेश में है। साथ ही 2016 से जो पदोन्नति के में व्यवधान पैदा किया गया है, उस व्यवधान को तत्काल दूर किया जाए, ताकि हमारे जो साथी जो उच्च पदों के विहीन रहते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो हमारा अनुरोध है शासन से कि तत्काल पदोन्नति के आदेश जारी करें, ताकि हमारे जो साथी उस पद के हकदार हैं वो उस पद में पदोन्नत हो सके। हमारे 2005 के जो कर्मचारी शासन में आ रहे हैं, उनकी पेंशन शासन ने समाप्त कर दी है, तो हमारा संगठन के सभी अध्यक्षों का अनुरोध है कि 2005 के बाद जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनको पेंशन पूर्व के कर्मचारी साथियों के समान दी जाए। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है या फिर सिर्फ एक दिवसीय है? ये हड़ताल आज सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल की जानी थी, मगर चूंकि प्रदेश से हमें लेट मैसेज प्राप्त हुआ है, तो पूरे मध्य प्रदेश में आज कुछ जिलों में लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया है। सिवनी में हमारे सारे संगठन के अध्यक्षों ने यह तय किया था कि आज हम सांकेतिक रूप से सारे लोग इकट्ठे होंगे, सारे संगठन के अध्यक्ष पदाधिकारी इकट्ठे होंगे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। थैंक यू।